हेलो दोस्तों, दिस इज रम्मी राइडर फ्रॉम एनसीआर मोटरसाइकिल। दोस्तों आज की जो ये वीडियो है, जैसा कि मैंने बताया, ये इसमें मैं डिजिटल मीटर अनबॉक्स कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ उसके अंदर क्या क्या है। ये वो मीटर नहीं है जो मैंने लगाया है, ये वो मीटर है जो ऑनलाइन आजकल बहुत छाया हुआ है। देखा होगा आपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे ज़्यादातर इसकी फोटो चल रहे हैं कि 500 सीसी में लगा रखा है, उसमें जीरो से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। खाली उसमें डिजिटल स्पीड मीटर है और फ्यूल मीटर है, उसके अंदर आरपीएम वगैरह नहीं। जो मैंने लगाया वो वाला मीटर नहीं, दूसरा है। तो मेरे एक क्लाइंट हैं, तो उन्होंने मेरे पास बाइक लगाने के लिए भेजा है। उसमें कुछ मुझे जो उसके बारे में पढ़ा, मैंने अभी तक मैंने खोला नहीं है, तो अभी इस वीडियो में उसका खाली अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं, और देखते हैं उसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं, उसके कैसा मीटर है पहले तो ये देखते हैं। और गाड़ी में पास आइए, उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल इस वीडियो में नहीं करेंगे, मैं आपको खाली अनबॉक्स कर दे रहा हूँ उसमें क्या क्या साथ आ रहा है, कैसा है मीटर, ये सब। एक चीज और, जब मैंने उसके बारे में पढ़ा इंटरनेट पर जो लिखा हुआ है, बट मुझे दो तीन कमियां लगी, तो इसलिए मंगाया है ये मैंने, ये क्लाइंट ने अमेजोन से मंगाया है। इसकी कॉस्टिंग आई है, देख सकते हैं आप, तो बेसिकली ये जो बन रहा है, ये पंजाब में बन रहा है मीटर, पंजाब में है, और 4099 रुपये का शिपिंग के साथ और टैक्स लगाने के साथ 4099 रुपये, मतलब 4100 रुपये राउंड फिगर में है, अमेजोन पे ही मिल रहा है। तो इसको खोलते हैं पहले, तो आइए इसको खोलते हैं। इसके साथ ये निकले मैनुअल, इसकी शायद ये मैनुअल है। तो ये जो बन रहा है, ये जलंधर में बन रहा है, और ये इसका वायरिंग डायग्राम है, इसको देखते हैं अभी। ये मीटर है इसका, ये इसका स्पीड मीटर का सेंसर है। इसमें क्या है, डिजिटल में तो सेंस करता है, तो ये हम मीटर बक्से में लगाएंगे इसको, और इसमें मैग्नेट है कंट्रोल इसका सेंस करने वाला, और ये हमारा सॉकेट, ये वायरिंग है, और ये है ट्रिप स्विच जो हम हैंडल में लगाएंगे इसको, जिससे हमारा ट्रिप सेट होगा। तो बस और डिटेल में कुछ भी नहीं है। ये जीटी रोड जलंधर में बनता है, ये असेंबल होता है। तो बात करें मीटर की, मुझे मीटर में थोड़ी सी इसमें एक प्रॉब्लम लग रही कि थोड़ी वायरिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये तार इतनी लंबी वायर तो अगर है तो ये जरूर बैटरी की होगी, मैं अभी डायग्राम में चेक करता हूँ। स्पीड मीटर, वैसे मैंने जहाँ ये बनते हैं तो उनसे मैंने बात हुई थी मेरी फोन पे, मैं भी बताता हूँ। ओके, तो बात करते हैं अब इसकी। तो इसमें डायग्राम में लिखा है ये ब्लैक और ब्लू हमारी डायरेक्ट बैटरी में कनेक्ट होंगी, ठीक है। ये वाला सॉकेट हमारा सीधा मीटर में लगा, वो तो मैं इसका वायरिंग का मैं आपको बता दूंगा फिटिंग के टाइम कि कैसे कैसे लगानी है। बट इसके अंदर जो इसकी डायग्राम में पढ़ने के बाद मुझे एक दिक्कत लगी इसकी, तो एक काम करता हूँ फिलहाल मैं इसके अंदर अभी जो मैं लगाने से पहले एक बार डायरेक्ट बैटरी में लगा के इसका सॉकेट लगाता हूँ इसके अंदर।
ये सॉकेट लगा दिया। अब मुझे इसके अंदर कुछ डाउट हो रहा है, वो मैं क्लियर करूँ आपको, अभी क्लियर करूँगा ये। जैसे ये बताए ये वाली हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव में जाएगी वायर, तो मैं इसको बैटरी से, अभी मेरे पास एक बैटरी पड़ी है तो उसका कनेक्ट कर रहा हूँ, ये ब्लू प्लस ये माइनस लगाना इसमें। हेलो, देख सकते हैं ये है मीटर। अब मैं इसकी बात करूं तो अब जैसे डायग्राम में इन्होंने दिया है कि डायरेक्ट बैटरी से लगाएंगे, तो ये तो गलत है, क्यों अगर हम इसको डायरेक्ट बैटरी से लगाएंगे, होप ये वीडियो वो भी देख रहे हैं, तो ये जो डायग्राम दिया इन्होंने डायरेक्ट बैटरी, ये क्या कंटिन्यू ऐसे रहेगा? आपने वायरिंग का जो इसमें डायग्राम दिया कि डायरेक्ट बैटरी से लगाने के लिए, तो फिर बिना ऑन ऑफ करे इसको डायरेक्ट ऑन छोड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए अभी मेरे दिमाग में क्लिक हुई है, मैं इसकी वायर थोड़ी चेंज करूंगा। चेंज ऐसे करूंगा कि इसको इग्निशन ऑन ऑफ से करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो हमारी बैटरी सारी डेड हो जाएगी अगर हमने इसको डायरेक्ट बैटरी पे लगा दिया। तो बिना कोई वायर कट करे इसको इंस्टॉल करते हैं गाड़ी में, तो इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, जो कि मैं कल मतलब अभी जो ये पोस्ट हो रही है अभी इसके 24 से 30 घंटे के अंदर मैं पोस्ट कर दूंगा ये, क्योंकि मुझे आज मैं ये लगाया तो कल मुझे बाइक में फिट करना है। मैं कुछ वायरिंग का ऑन ऑफ से करूंगा, जो इतनी लंबी मैं डायरेक्ट बैटरी में नहीं लेके जाऊंगा ये वायर। सीरियसली एक चीज़ की मैं कहना चाहूंगा कि इसको देखने के बाद मुझे थोड़े इसके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, कि ये 4000 रुपये का, होप इसकी सर्विस अच्छी हो, देखते क्या होता है। तो दोस्तों बात करते हैं अब थोड़ी मीटर के बारे में, इसमें मीटर के बारे में तो खैर बात हो रही है, अब मैं ये वीडियो इसकी इसके फिटिंग के टाइम एक और वीडियो बनाता हूँ इसकी, तो मैंने अनबॉक्सिंग करी क्योंकि इसके ज़्यादा चर्चा में आ रहा था मीटर की, मीटर कैसे इंस्टॉल होगा। तो इंस्टॉल के टाइम इसके अंदर जो वायरिंग है जो हमारे डायरेक्ट बैटरी में इन्होंने डायग्राम दे रखा है, मैं उसमें नहीं लगाऊंगा। अगर ये वो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस डिज़ाइन को चेंज करिए। अब मेरी बात हुई थी हर्ष जी से, जिन्होंने ये मीटर बनाया है, मतलब उनके टीम ने पूरे, हर्ष जी हैं जिन्होंने बनाया है, तो मैंने उनको कॉल किया था। इस मीटर के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है जो कि उन्होंने बताया कि मैं इसको शॉर्ट आउट कर रहा हूँ, कि ये मीटर खाली रिजर्व और टैंक फुल ही शो करेगा। तो इसके अंदर ये प्रॉपर एक पॉइंट करके, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया जिसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट टोटल 7-8 पॉइंट थे, तो वो बता रहा था कि कितना पेट्रोल है, फुल टैंक है, हाफ है, वो सब। बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जैसे अगर आप मंगा रहे हैं तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं, तो थोड़ा वेट करिए। मेरी बात होती है वो कह रहे हैं फरवरी तक उनके पास ऐसा मीटर आ जाएगा जो प्रॉपर बताएगा, इसके अंदर प्रॉपर नहीं बताएगा। मेरी उनसे ये हर्ष जी से बात हुई है फ़ोन पर, पर्सनली मैंने कॉल करी उन्हें तो पूछा है मैंने उन्हें, वो फरवरी तक 2018 तक इसको लॉन्च कर देंगे। और बट मैंने इसका एक जुगाड़ बना लिया है, आप भाई लोग तो वैसे जानते हैं कि जुगाड़ू नाम से ज़्यादा मुझे बोलने लगे लोग कि जुगाड़, हर एक चीज़ का जुगाड़ जुगाड़, तो इसका एक जुगाड़ निकाल दिया है कि प्रॉपर तो नहीं बट 1-2 लीटर के ऊपर नीचे करके ये बताएगा। और मैं इसका मीटर कहाँ बता था, इस मीटर के अंदर मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी है, तो इसका जो करा मैंने फ्यूल गेज के अंदर ही करा है और थोड़ी सी वायरिंग का चेंज करी है इसके बताएगा। और दोस्तों एक चीज़ और मैं कहूँगा आपसे, ये वीडियो मैं बहुत जल्दी पोस्ट करने वाला, जो वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं या वो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए, जो बेल का आइकन है वो ज़रूर दबाइए, ताकि ये जैसी मैं इसकी वीडियो पोस्ट करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो दोस्तों इंतजार करिए मेरी नई वीडियोज़ का, मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियोज़ के साथ, जब तक बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।